Let's do something constructive and serve this nation, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Srimati Sunita Durgal. धन्यवाद सभापति महोदय. जो आपने मुझे मोशन अंडर रूल 342 के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर बोलने का समय दिया, हमारा परम सौभाग्य सभापति महोदय के 17वीं लोकसभा के अंतिम सेशन में अंतिम दिन की पूर्व संध्या पर हमें जो आज बोलने का मौका मिल रहा है, और ये भी हमारा परम सौभाग्य सभापति महोदय कि हमें पुरानी लोकसभा में भी और जो नई जो हमारी ये परिसर है इसमें पवित्र सेंगोल की उपस्थिति में हमें बोलने का मौका मिल रहा है. सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस श्वेत पत्र पर मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत ध्यान से सुना और बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव जो हैं इसमें साझा किए, तो मैं क्योंकि मैं पहली बार जो है एक सांसद के तौर पर यहाँ पर आई हूँ, तो एक आम नागरिक की भांति जो 10 साल पहले सरकार ने जो काम किए थे और इसके साथ साथ आयकर विभाग में काम करने के लिए जिस तरह से जो उस तरह के जो अनुभव थे, उन दोनों को मैं एक बार सदन के सामने रखना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक के तौर पर सभापति महोदय मुझे ध्यान है कि उस समय में जो कोयला मंत्री थे, तो वो कोयला मंत्री जिस तरह से कोयला के घोटाले के अंदर संलिप्त थे और इसके साथ साथ जो है उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी उस समय में महिलाओं के ऊपर कही थी कि शादी जितनी पुरानी हो जाती है उतनी बेकार हो जाती है इस तरह से, तो मैं तो सौगत दादा को जो है बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने 2012 के अंदर समय रहते ही जो है वो उससे पीछा छुड़ा लिया, नहीं तो क्या कहते हैं कि वो कोयले की दलाली में मुंह कुछ इस तरह से जो है इनके साथ भी होता. इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जिस तरह से जो पिछली सरकार ने जिस तरह के घोटाले हुए हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने ये बताया था कि मेरी इच्छा यह है कि जो मेरी जाति है, मतलब ये कि जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं वो उनके ऊपर किसी भी तरह की आंच ना आए, उनका जो एक इमेज है वो ठीक होना चाहिए. जो ऐसे ऐसे जो पहले कांड हुए हैं जिस तरह की उनकी टिप्पणियां रही हैं, मुझे लगता है कि जो मूवीज बनाने वाले उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को अच्छा मसाला मिल जाता है. आपने देखा होगा कि पहले किस तरह की नेताओं की छवि होती थी और युवा तो खासकर जो है वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल आना नहीं चाहते थे, और आज सभापति महोदय हाल ये है कि आप परीक्षा पर चर्चा में बैठने के लिए वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुनिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि विपक्ष को भी सुनना चाहिए ताकि कम से कम वो जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी उसको सुनकर कुछ अच्छा विपक्ष जो है वो बन सके. और जिस तरह से युवाओं के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर उत्साह है, वो अपना रोल मॉडल मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और आज कितने युवा ऐसे हैं जो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं. तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो नेता कुछ नरेंद्र से देश में चंद हो जाएं, जो नेता कुछ नरेंद्र से देश में चंद हो जाएं, युवा सारे देश के फिर विवेकानंद हो जाएं. तो ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. तो आप चाहे इसमें किसानों की बात करें, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत उनको 2,80,000 करोड़ रुपया जो हमारे किसान भाइयों को, खासकर अगर मैं अपनी सिरसा लोकसभा की बात करूं तो 30,000 करोड़ का प्रीमियम देने के बाद और उनको 1,50,000 करोड़ के करीब जो है उनको पैसा वापस मिला है. और इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की मैं जिक्र करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने किस तरह से एक सैचुरेशन लेवल लाने के लिए ठिठुरती ठंड के अंदर अधिकारियों को जो है वो बाहर गांव-गांव पर जाने के लिए मजबूर कर दिया. मैंने खुद बहुत सी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हरियाणा के हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जगह जगह उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हेल्थ कैंप भी लगाए. कितनी हमारी जो बहनें हैं उनको वहां पर जो है वो गैस के कनेक्शंस मिले, कितने हमारे भाई उनको आयुष्मान कार्ड के तहत जो है वहां पर उनको कार्ड मिले. और इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर दो मिनट के लिए सभापति महोदय, जिस तरह का काम जो है हमारी सरकार ने किया है. एक मैं तिवारी जी की बात सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि बोरिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो बोरिंग के ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभापति महोदय कि अगर आपकी बैलेंस शीट जो है वो अच्छी होती है तभी तो कोई आपको देता है, नहीं तो आप 10,000 रुपए भी किसी से उधार ला के दिखाइए कोई आपको नहीं देता. तो इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो आजकल जो यात्रा पर जा रहे हैं, पिछले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है. देखिए कोई समय ऐसा होता है जब सरस्वती आपकी जीवा पर बैठती है, अभी जो है उनके जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार
400 पार, तो मुझे लगता है कि जो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अंत में एक बात कहना चाहती हूं कि हम सब लोग जो हैं वो चुनाव मोड में जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। धन्यवाद।